नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। छेड़खानी का आरोप लगाकर एक युवक की गांव के ही लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इसको आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र भिंगा के मछरेवा गांव का है, जहां 28 वर्षीय युवक जगत राम मौर्य परिजनों की मौत के बाद वो एक मुस्लिम परिवार में रहकर गुजर बसर कर रहा था, लेकिन गाँव के ही सब्बीर और सलीम ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे फानन में संयुक्त जिला चिकित्सालय भिंगा पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही DMSP के साथ कोतवाली देवेंद्र पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। ग्राम मछरीवा थाना भिंगा क्षेत्र के जगत राम मौर्य, जिनकी उम्र 28 वर्ष के करीब थी और माता पिता की मृत्यु के बाद एक गांव के ही कलाबाज सनाफ जाफर के पास रहते थे इनको, और अभी कुछ दिनों से ये अपना एक छोटा सा कमरा बना के टिन सेट का उसमें भी रहते थे। सामने रहने वाले सबीर व कलीम ने छेड़खानी का आरोप लगाकर आज मारपीट की। इनको इलाज के लिए भेजा गया, तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू की गई। दौरान इलाज अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। मेरे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई हैं। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।